नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सगड़ी तहसील क्षेत्र के चांदपट्टी बाजार में विकासखंड हरिया कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह द्वारा बैठक की गई। इस दौरान विश्वजीत सिंह ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोगों को अभी से लग जाना होगा, कार्यकर्ता पार्टी के दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने काम में जुट जाएं। आज पार्टी की नेता प्रियंका गांधी के निर्देश पर हम लोग गाँव जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए पार्टी का सदस्य बना रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसके साथ ही बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को उचित मूल्य देकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाना कांग्रेस पार्टी की सोच है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। भैया, आज चांदपट्टी मार्केट में आपकी पार्टी का यह किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए, आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरैया की बैठक थी और हम सब लोगों ने जो संगठन हमारा निर्माण है, निचले स्तर पर जो हमारा काम हो रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, आने वाले जो विधानसभा का सम्मेलन होना है और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के, आजमगढ़ में दलितों का उत्पीड़न हो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ती है, बिलरियागंज में जब अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई, तो इन सभी सवालों को लेकर के आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों, बेरोजगार नौजवानों की जो आवाज़ बनी है प्रियंका गांधी जी, उनकी बात को निचले स्तर पर ले जाने के लिए संगठन के का जो कार्य है उसकी समीक्षा को लेकर के बैठक हुई है। और हरैया के अंदर हमारा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, हमारे सभी गांव में हमारा संगठन बना और निश्चित रूप से हम आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व। इस आगामी चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं, हमारा हम संगठन और संघर्ष के लेवल पर निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारा ब्लॉक से लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सब संघर्ष